क्या उद्देश्य था, क्या करना चाहते? उद्देश्य तो एकदम साफ है कि पूरे हिंदुस्तान में एक अघोषित आपातकाल लागू कर दिया गया है, और हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने जो सवाल उठाए संसद में, या जो संसद के बाहर सड़क पे सवाल उठाए कि मोदी जी आपका अडानी से रिश्ता क्या है, वो रिश्ते को क्यों छिपाया जा रहा है, उस रिश्ते को देश के सामने क्यों नहीं उजागर किया जा रहा है, उद्देश्य सिर्फ ये। देखिए, सरकार पूरी तरह से श्री राहुल गांधी जी से बहुत डरी हुई है, वरना उस केस में, जैसे मैंने पीछे भी काफी तथ्य दिए, जिसमें 2 साल से अधिक सजा ही नहीं हो सकती थी, और जहां तक मेरी जानकारी है किसी भी व्यक्ति को हिंदुस्तान में डिफेमेशन के केस में 2 साल की सजा हुई ही नहीं, 2 साल से 1 दिन कम की भी सजा होती तो संसद की सदस्यता नहीं जाती। तो इसलिए ये मामला कानूनी से ज्यादा राजनीतिक है, और ये राजनीतिक तरीके से किस तरह से राहुल जी की आवाज को संसद में ना बोलने दिया जाए, इसलिए ये सब कुछ हुआ। उधर पता चला कि हाई कोर्ट का निर्णय आता है, 24 घंटे से पहले उनकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है, और 2 से 3 दिन के अंदर बंगला खाली करने का नोटिस दिया जाता। ऐसे अभी भी 6 से ज्यादा लोग हैं हिंदुस्तान में जो सरकारी बंगलों में रह रहे हैं, और जो सरकारी किसी पद पे नहीं है, उनको कोई नोटिस नहीं जारी किया। अभी परसों कर्नाटक का चुनाव डिक्लेयर हुआ, तो हमारे मीडिया के ही बंधुओं ने इसी से पूछा कि आपने वायनाड चुनाव क्यों नहीं डिक्लेयर किया, तो उनका नहीं, अभी तो 1 महीना है उनके पास, 1 महीने का स्टे है। तो ये बात हमारे लोकसभा के सेक्रेटरी को क्यों नहीं पता थी कि अभी उनके पास 1 महीना है, ये बात बंगला खाली कराने की चिट्ठी से पहले क्यों नहीं पता थी कि अभी 1 महीना है, जबकि इसी कह रहा अभी 1 महीना है, उन्होंने वहां पे चुनाव की कोई तारीखें नहीं ऐलान की, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अभी वहां 1 महीना है। सब जान रहे हैं ये कानूनी से ज्यादा राजनीतिक लड़ाई है। तो सर ये बताएं, राहुल गांधी आगे इलेक्शन ना लड़ पाए लंबे टाइम तक? देखिए, कांग्रेस पार्टी देश की पार्टी है, अभी से मैं आपको कह दूं कि कांग्रेस पार्टी क्या कहेगी। कांग्रेस पार्टी इन्हीं मुद्दों को लेके देश की जनता के बीच जाएगी, और कांग्रेस पार्टी जवाब नहीं देगी, जवाब देगी इस देश की 140 करोड़ जनता, वो जवाब देगी कि इस देश में तानाशाही नहीं चलेगी। ये देश गांधी का है, ये हिटलर और मुसोलिनी का देश नहीं है, ये गांधी का देश है, ये गांधीवादी तरीके से ही चलेगा। अभी सब नगर निगम के चुनाव की जो है घोषणा हुई है, और उसको लेकर लगभग चुनावी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशी उतार रही, कांग्रेस की किस प्रकार से तैयारी है? कांग्रेस की पूरी तैयारी है, कल ही रिजर्वेशन आया है, हम लोगों की इंटरनल मीटिंग हो चुकी है, हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में पूरी ताकत के साथ सभी नगर निगमों में, सभी नगर पालिकाओं में, सभी नगर पंचायतों में एवं सभी पार्षद और वार्ड, सारे चुनाव हम पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूती के साथ लड़ेंगे। सर, जैसे कि पूर्व में भी कई सारे ऐसे पॉलिटिशियंस हैं, सांसद विधायक हैं, जिनके बहुत पहले से मुकदमे चल रहे हैं, राहुल गांधी जी का निर्णय इतना जल्दी आया, इस पर आप क्या कहेंगे? न्यायपालिका पर निर्णय से सहमत होना, असहमत होना, ये आदमी का स्वाधिकार है। अगर हम निर्णय से असहमत होने की व्यवस्था ना होती तो ऊपर के न्यायालय क्यों बनाए जाते? ये तो सबसे लोअर कोर्ट का निर्णय है, CJM कोर्ट का निर्णय है, हम इस निर्णय से पूरी तरह से असहमत हैं, और ये निर्णय न्यायिक कम राजनीतिक ज्यादा है, ये मामला न्यायिक कम है राजनीतिक ज्यादा है। अगर सर JTC लागू हो जाती है तो उससे कांग्रेस को और बाकी अन्य पार्टियों को जो है देखिए, JPC में कोई ऐसा तो नहीं विपक्ष के ही सांसद होंगे सदस्य, JPC में तो सत्ता के विपक्ष के दोनों के सदस्य होते हैं भाई, JPC कोई ऐसा तो नहीं कि केवल विपक्ष के सांसद जांच करेंगे, उसमें तो दोनों के सदस्य होते हैं। लेकिन एक पटल पर चर्चा होने लगेगी, एक पटल पर सबूत इकट्ठा होने लगेंगे, जिससे कि हमारे प्रधानमंत्री जी नहीं चाहते कि ऐसा हो।